हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करें XUV300W6 सनरूफ एंटी मॉडल की। चारों तरफ से प्रोफाइल को कवर करते हुए इसके सारे फीचर्स और प्राइस इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के इंजन की। तो इंजन टाइप इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है 1197 cc का। मैक्सिमम पावर 108 bhp पावर जनरेट करती है ये कार 5000 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क 200 Nm पावर जनरेट करती है 2000 से 3500 rpm पर। तीन सिलेंडर इंजन वो चार्ज वाला इसके अंदर मिल जाता है। चारों तरफ से प्रोफाइल को कवर करते हुए पिछला वाला लुक इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। थोड़ा फ्यूल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो पेट्रोल इस कार में चलता है, माइलेज 17 किलोमीटर का देती है, और पेट्रोल टैंक 42 लीटर का इसमें मिलता है। BS6 इंजन इस कार में आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट लुक से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें ये दिखाई देगी। फ्रंट में ग्रिल दिखाई देती है और बटरफ्लाई का लोगो महिंद्रा वाला दिखाई देगा, जो न्यू बटरफ्लाई लोगो आया है। लाइट प्रोफाइल की बात करें तो इस कार के अंदर हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडलैम्प हैं ये, अप डाउन हो सकते हैं, और LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। नीचे की साइड में देखेंगे तो नीचे की साइड में ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको काफ़ी दिखाई देगा। जैसे कि हम देख रहे हैं तो काफ़ी कार ये नीचे से पूरी कवर है। और हम बात कर लेते हैं इस कार के टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर एलॉय व्हील नहीं मिलते, सिंपल वाले व्हील मिलते हैं, और उन पर मिलते हैं व्हील कवर महिंद्रा के लोगों के साथ में। और यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, यहाँ मिलता है आपको इंडिकेटर, ऊपर की साइड में वाइपर मिल जाते हैं फ्रंट मिरर पर। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं मिलता, ये सिंपल वाले मिरर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हम डुअल टोन में पूरा गेट देखने को मिलेगा, ड्राइवर डोर, और यहाँ पर ही आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा विंडो को अप डाउन करने का। नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ से ही आप जो है मिरर को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रियर व्यू मिरर पावर एडजस्टेबल हैं, तो इनको सेट कर सकते हैं। स्पीकर मिल जाता है फ्रंट पर, तो ये सारा सिस्टम तो यहाँ गेट पर मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आगे पीछे करने वाली सीट मिल जाएगी, हाइट एडजस्टेबल सीट यहाँ पर नहीं मिलती। फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए सिस्टम मिलता है, यहाँ बोनेट को ओपन करने के लिए एक स्विच मिल जाता है। और नीचे की साइड में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर AC वेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लाइटों के स्विच और इंडिकेटर के स्विच मिलते हैं। यहाँ पर की का एक ऑप्शन मिल जाएगा, की लगा सकते हैं अंदर बैठने के बाद। फ्रंट पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई का लोगो मिलता है, एयरबैग मिलता है, और यहाँ पर कुछ स्विच मिल जाते हैं। और इस कार का ये जो हैंडल है इसको आप अप डाउन कर सकते हैं अपनी हाइट के अनुसार। यहाँ पर हम एक ग्लव बॉक्स देख रहे हैं, ग्लव कंपार्टमेंट देख रहे हैं, और यहाँ पर हमें टच मीटर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, और डिजिटल क्लॉक मिलता है। डुअल टोन में पूरा डैशबोर्ड मिलता है, डे नाइट वाला ये मिरर मिल जाता है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें सनरूफ इस मॉडल में भी देखने को मिलेगी। यहाँ सनरूफ के कुछ स्विच दिए गए हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, और लाइटों के कुछ स्विच यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वैनिटी मिरर मिल जाएंगे, तो वैनिटी मिरर काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर हैंडल मिल जाते हैं पकड़कर बैठने के लिए। और हमको डैशबोर्ड पर मिलते हैं कुछ ये सारे स्विच, जैसे कि AC के स्विच हैं, और AC के साथ साथ में आपको मिल जाता है हीटर भी। तो ये सारा सिस्टम है, और ये आपको 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स वाला गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल चार्जर और USB कनेक्ट करने के लिए सिस्टम मिलता है। आगे की साइड में यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं, और हैंड ब्रेक मिल जाता है। तो ये सारा सिस्टम इस कार में आपको देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई का लोगो भी आपको देखने को मिलेगा हैंडल पर। तो ये काफ़ी अच्छे सिस्टम इस कार में मिलते हैं। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस कार के कंफर्ट की। तो इसके अंदर पावर स्टीयरिंग मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाती है, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाता है, कीलेस एंट्री है, USB चार्जर मिल जाता है फ्रंट में भी। तो ये तो सिस्टम हुए इसके कंफर्ट के। हम चलते हैं दूसरे वाले डोर पर और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छी शाइनिंग देती है, प्रीमियम लुक देती है ये कार। तो यहाँ से हम बैठते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विंडो को अप डाउन करने का, स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पर थोड़े से बोतल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम मिलता है। अंदर की साइड में देखेंगे तो हमें AC वेंट मिलता है, AC वेंट के नीचे काफ़ी अच्छा सिस्टम मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है हमें, जो अपने आप बहुत स्लो मौसम में आता है। ग्लव कंपार्टमेंट मिल जाता है, ये सीट है जो आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम इस कार में हमें देखने को मिलेगा। और हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो कैमरे को घुमाकर तो केबिन हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब हम देखेंगे पिछली वाली सीटों पर क्या मिलता है। तो
तो डोर ओपन करते हैं और यहाँ पर वही सिस्टम मिलेगा जो आगे फ्रंट में पैसेंजर पर पैसेंजर डोर पर मिला था। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो एडजस्टेबल हैं और पिछले वाले हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है। तो ये पीछे की रो है और पिछली वाली रो में सीटों पर सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सीट बेल्ट हर जगह मिलती है और यहाँ पर लेग स्पेस भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है और हर सीट पर आपको पकड़ कर बैठने के लिए हैंडल भी मिल जाएगा सिर्फ ड्राइवर सीट को छोड़कर। पीछे से देखते हैं तो केबिन हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। थोड़ा सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो ABS सिस्टम मिलता है, सेंट्रल लॉक मिलता है, पावर डोर लॉक मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, दो एयरबैग मिलते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन मिलता है, एडजस्टेबल सीटें मिल जाती हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, क्रश सेंसर मिल जाता है, इंजन चेक वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीड सेंसर, डोर लॉक भी इस कार में देखने को मिल जाता है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स की बात हुई। पिछली तरफ को हम देखेंगे तो पीछे की साइड में कुछ इस प्रकार से दिखती है। सीट बेल्ट हर सीट पर आपको मिलेगी, यहाँ सीट बेल्ट की कहीं भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। अब हम यहाँ से निकलते हैं और फिर इसका और व्यू देखते हैं। यहाँ से आपको पेट्रोल में मिलेगा, पेट्रोल लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपका पेट्रोल टैंक है जो काफ़ी बड़ा है, जो लगभग आपको मिलेगा तो 42 लीटर में आपको मिल जाएगा। पिछली लाइटें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी और पीछे से कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। बटरफ्लाई का लोगो मिलता है, XUV300 इस पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और थोड़ा हम इधर की साइड से दिखाते हैं तो रूफ रेल ऊपर की साइड में मिल जाएगी, पावर एंटीना मिल जाता है। तो पूरी कार ब्लैक और रेड कलर में आप देख रहे हैं और यहाँ से हम देखते हैं तो इस वाली सीट पर भी कुछ इस प्रकार से ही आपको डोर पर देखने को मिल जाएगा। सीटें कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस कार की लंबाई और चौड़ाई की। तो लेंथ इस कार की 3995 mm है, विड 1821 mm है, हाइट 1627 mm है, 5 लोगों के बैठने की सीट है, 5 डोर हैं इसमें और व्हील बेस 2600 mm के देखने को मिल जाएंगे। तो ये कार हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की। तो 4 स्पीकर मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो मिल जाती है, USB ऑक्सिलरी इनपुट का सिस्टम मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। फ्रंट से थोड़ा दूर से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सनरूफ जो है, मूनरूफ जो है, वो इसका एक बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। इतने कम बजट में और लो मॉडल में सनरूफ देखने को भी और कारों में नहीं आपको मिलेगी। तो हम आपको बता देते हैं अब पीछे से कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है और इस कार के प्राइस की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इस कार के प्राइस लगभग 10 लाख रुपए के समथिंग आपको एक शोरूम कीमत देखने को मिलेगी। अगर आप इस कार को ख़रीदना चाहते हैं तो एक बार जाकर विजिट करिए, कार को देखिए, फिर खरीदिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो इस कार में बटरफ्लाई का लोगो आपको देखने को मिलता है तो ये एक कार को प्रीमियम लुक देता है। नया वर्जन बटरफ्लाई वाला लोगो महिंद्रा का आया है। बटरफ्लाई वाले लोगो ने ही महिंद्रा कार के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला है।